स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल हाल में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर चार प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। बताते चलें, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में हिमालय की शिवालिक तलहटी में स्थित अभयारण्य है। इसके पूर्व दिशा में यमुना नदी बहती है। इसका नाम कलेसर वन से लिया गया है, जो की अभयारण्य का एक हिस्सा है। वैसे इसकी स्थल आकृति मैदानों से लेकर पहाड़ियों तक भिन्न भिन्न है। पहाड़ियों के बीच संकरी घाटियां हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में खोल कहा जाता है। इन घाटियों में मौसमी नदियां हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सोत कहा जाता है। ये नदियां वर्ष के अधिकांश समय सूखी रहती हैं। ध्यान रहे, अभयारण्य में कलेसर किला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ था। आपको अवगत करा दें, इस अभयारण्य में मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। इस जंगल में साल, खैर, शीशम, पीपल, बेर और आंवला जैसे बड़े वृक्ष और कई प्रकार की झाड़ियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य जानवरों की कई प्रजातियों का घर है, जिनमें तेंदुआ, सावर हिरण, भौंकने वाला हिरण, लकड़बग्गा, सियार, भारतीय शाही, भारतीय पेंगोलिन और लंगूर शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनेक योजना चलाई है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया, जैसे कि प्रोजेक्ट हंगुल 1977, मगरमच्छ प्रजनन योजना 1975, लघुत्तर बिल्ली प्रोजेक्ट 1976, मणिपुर संघाई हिरण परियोजना 1977, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना 1981, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन परियोजना 1991, हाथी परियोजना 1992, लाल पांडा परियोजना 1994, UNDP समुद्री कछुआ परियोजना 1999, प्रोजेक्ट राइनो विजन 2020 2005, गिद्ध बहाली योजना 2006, हिम तेंदुआ परियोजना 2009, प्रोजेक्ट वस्टर्ड 2013, गिद्ध कार्य योजना 2020। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।